अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने सोचा कि मैं नाइट टाइम में कुछ शेप्स बनाने आई थी फॉर टेक्सचर की, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अभी नाइट टाइम है तो ये मेरा ऊपर वाला रूम है, यहाँ पे मैं टेक्सचर्स वगैरह रखती हूँ। शायद आपको इसका कलर जो है वो सही नहीं नज़र आ रहा होगा। तो फिलहाल तो मैं शेप मेकिंग ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं सब टेक्सचर्स के आपके साथ कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। ये तो मेरा हैंडमेड टेक्सचर है, मैंने बनाया हुआ है। ये मतलब आर टेक्सचर्स का मिक्सअप है, इसमें छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे, ग्रेन्स हैं शायद नज़र आए या ना भी आए। तो डे टाइम में आपने मेरे टेक्सचर की जो है वो वीडियो भी देखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं इसकी बनाने लगी थी शेप, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ एक शेप मेकिंग ट्यूटोरियल शेयर किया जाए, क्योंकि शेप्स बनी तो नजर आ जाएंगी। ये टेक्सचर अभी फुल ड्राई है और ये मेरा सुपर डिलीशियस और सॉफ्ट टेक्सचर है, क्योंकि बाकी सब टेक्सचर्स में से जो मैं स्टेन करती हूँ, जो स्टोन्स निकलते हैं और यहाँ आर्ट सीमेंट हुआ वो निकलता है, तो मैं वो उसको इसमें ऐड कर देती हूँ। तो ये मेरा टेक्सचर बहुत मजे का है। तो चलें जी आए आप, हम इसमें करते हैं वाटर ऐड। तो ये सबसे पहले मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे जी पानी ऐड। तो अब हम इसमें करते हैं जी इधर वाटर ऐड। अभी मैं कम कम ही ऐड करती हूँ, मैं इतना ज्यादा नहीं करती, एकदम थोड़ी सी पेस्ट पोरिंग कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अब अच्छी करी होंगी। अब हम इसको अच्छे प्रॉपर मिक्सिंग कर लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो टब में ही मिक्सिंग कर रही हूँ, मोस्टली एक स्मार्ट स्टैंड जो उसमें फ्लोर पे करती हैं, बट मेरी ये रूम है ऊपर वाला जहाँ पे हमने कुछ स्टोर का सामान वगैरह रखा है, तो यहाँ पे फ्लोर पे करना थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जरिए पता आपको पता है टाइल्स वगैरह तो वो ख़राब ना हो जाए इसलिए। बड़ा ही मजे का टेक्सचर है ये भाई मेरा, तो देखे ना अभी ड्राई ड्राई पार्ट निकल रहा है नीचे से, मतलब अभी इसमें और वाटर ऐड होगा, अभी इतने ग्रिप भी नहीं पकड़ रहा कि ये बाइंड हो जाए, ठीक है। तो और वाटर ऐड करते हैं जिसमें, अगर तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे बताएं कि मैं आपके साथ अपने सब टेक्सचर्स के ट्यूटोरियल शेयर करूं। देखा ना नीचे से ड्राई पॉट निकल रहा है। ये और ड्राई पॉट निकल रहा है, कितना ज्यादा निकला। अब इसमें मज़ीद वाटर ऐड करते हैं जी। अभी भी इसमें इतनी बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं बनी कि ये शेप्स को साथ जोड़ के रखे। सो नाउ प्रॉपर मिक्सिंग। देखा ना ये कंप्लीट जो है वो बाइंड हो चुका है,
इसका बॉल बना के देखें। बॉल तो हेड ज्यादा वाटर में ही बनते हैं। तो अब मैं जरा अपनी पकड़ना शेप, सो मैंने चूज की हुई है जी ये शेप। अब हम इसको फिलअप करते हैं। बहुत गर्मी है आजकल, टेक्सचर्स बनाना भी इंसान थक ही जाता है एक किस्म का। टैप टैप टैप, आई लव विद दिस वॉइस, टैप टैप टैप। सो नाउ आवर शेप इज रेडी एंड मैं आपको दिखाती हूँ। या अभी आपको मेरी काफी चीजें नजर आ रही होंगी। ये मैंने शेप को अपनी इधर फेंका है, देख सकते हैं माशाल्लाह। अब आप देख सकते हैं कि मेरी शेप कितनी परफेक्ट निकली है। अब देखें जी मैं दूसरी जरा शेप डालूं। माशाल्लाह। चलें जी अब थर्ड शेप की बारी है। अब इसको हम डालते हैं अपने रूफ पर। अब मैं जल्दी से मिक्स करके तो आपके साथ साथ ही शेप बनाई जाऊं। जबरदस्त। आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको मेरा ये शेप मेकिंग ट्यूटोरियल वो भी नाइट टाइम में कैसा लगा है। ये तो मेरा रूम है ऊपर, फिर भी यानी कि मेरा नहीं स्टोर रूम की तरह ही है, हमारा तो नीचे है। हमने इधर आप देख रहे हैं पीछे एक चारपाई रखी हुई है, साइड पे वॉशिंग मशीन भी है, तो स्टोर का सारा सामान रखा हुआ है। बट आपको पता है फिर सीवेज की प्रॉब्लम हो जाती है, दैट्स वाई हम लोग मैं बाहर नहीं बनाती टेक्सचर और कुछ। मेरी मम्मा ने भी अल्लाह ने दिया, ठीक है, तो इसीलिए मैं अंदर ही बनाती हूँ। जी तो ये देखें मेरे ख्याल से मेरी ये सेकंड लास्ट शेप जो है वो बची है। इसके बाद लास्ट होने वाली है, तो वो भी मैं जल्दी से आप लोगों के साथ डाल लेती हूँ। अब आप लोग ये मत कहिएगा कमेंट्स में कि आपके टेक्सचर तो इतने थोड़े हैं, इतने कम कम हैं। मैंने रिसेंटली ये वर्किंग स्टार्ट की है, तो अभी मेरे सारे टेक्सचर्स की क्वांटिटी इतनी इतनी ही है। सच बताऊं मुझे इतनी इतनी पसंद है, कम कम हो जल्दी जल्दी वीडियो भी बन जाती है, टेक्सचर्स भी बन जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। ओह माय गॉड, ये थोड़ी सी मेरी खराब हो गई है, सो प्लीज नेग्लेक्ट इट। बाकी आपके सामने है कि जो मैंने शेप्स बनाई हैं आप देख सकते हैं। तो मैं जरा अपना हैंड वॉश कर लूँ क्योंकि मोबाइल पकड़ना होता है तो हैंड जो है वो खराब हो जाते हैं और उसके साथ फिर सारे टेक्सचर्स लग जाते हैं। सो मैं आपको ट्राइपॉड से हटा कर दिखाती हूँ जी। ये देखें, ये मैंने भी आपके सामने बनाए हैं, तो ये फिलहाल मैं अभी आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखा रही है। कुछ टेक्सचर मेरे पीछे पड़े हुए हैं और कुछ उधर भी हैं, छोटा छोटा बताएंगे कम कम करके ताकि आपको मज़ा भी आए। तो आप लोग ये कहेंगे कि ये मेरा रूम है ऊपर कर, क्योंकि हमने स्टोर रूम का सारा सामान इधर रखा हुआ है। बाहर हमारी रूफ है, वो नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, हम ये बाहर इतना सामान नहीं करते, भी अंधेरा आपको नज़र नहीं आएगा, बट मैं वीडियो इधर ही बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये शेप मेकिंग ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़
मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी. टाटा बाय बाय.